सुमित, सुमित के पास कोई एक अहम जानकारी आ रही है सर, सुमित के पास फौरन जाना जरूरी है, वो इशारा कर रहे हैं। सुमित, ओवर टू यू। देखिए, जो लगातार मेन एजेंडा की बात कर रही है रक्षा मंत्री के, वो होगा AK-203। हमने एक खबर दिखाई थी कि AK-203 राइफल जो है, असॉल्ट राइफल्स, ये भारत में आएंगे और अक्टूबर में पहली खेप इनकी आ सकती है। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री इन्हीं सब विषयों के ऊपर रशिया के काउंटर पार्ट से बातचीत करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिरकार, क्योंकि इस डील को एक फाइनल अमलीजामा पहनाया जाना है, फाइनल इस पर डिसीजन लेना है, तो अब इसको फाइनलाइज किया जाएगा। और माना यही जा रहा है कि AK-203 के ऊपर बड़ा डिसीजन हो सकता है और माना और अक्टूबर के महीने में पहला जो इसका इसकी जो पूरी खेप आनी थी वो भारत के पास AK-203 असॉल्ट राइफल भारत के आर्सेनल में एक और इजाफा। अक्टूबर के महीने में ये पहली खेप हिंदुस्तान पहुंच जाएगी। हमारे संवाददाता ने इस वक्त ये खबर ब्रेक की है, AK-203 असॉल्ट राइफल पहली खेप अक्टूबर में पहुंच रही है आखिरकार। लेकिन दूसरी अहम खबर मैं आपको बता दूं और उसके फौरन बाद आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन की तरफ ले चल रहा हूं। झड़प के बाद एक बार फिर बातचीत हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि पेंगोंग झील में तनातनी के बाद मीटिंग हो रही है। भारतीय सेना के ब्रिगेड कमांडर की बैठक चीन समकक्ष के साथ चुशूल में चल रही है। पेंगोंग के दक्षिणी तट पर स्थिति को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक चल रही इस चर्चा में हासिल क्या हो रहा है? केवल क्या ये टाइम बाय करने की कोशिश एक बार फिर चाइना की तरफ से, या इस बात को गुड सेंस प्रिवेल कर रहा है? लेकिन उससे पहले देखिए, चीन को कैसे गवारा नहीं होता कि वो जहां चाहता है वहां के अलावा कोई जाता हुआ नजर आए। आपको याद है कि कैसे अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री ने जब यह तय किया कि वो ताइवान जाएंगे, चीन को कतई नागवार गुजरा। कैसे उसको यह भी नागवार गुजरता है कि चेक रिपब्लिक से वहां का कोई नुमाइंदा ताइवान जाए। हर किसी को वो चाहता है कि ताइवान में उसके कहने पर लोग जाएं और उसके कहने पर ही बाहर आए। देखिए यहां क्या हुआ है, यहां आपको दिखाई दे रहा है एक बार फिर से चीन और ताइवान का भूगोल के हिसाब से चीन, ये ताइवान एक छोटी सी जगह है, लेकिन इसको धमकाने में, इसको हर वक्त टेंशन में रखने में चीन कोई कसर नहीं छोड़ता। चेक रिपब्लिक यूरोप का एक देश है जो पहले चेकोस्लोवाकिया होता था, आप जानते हैं ये चेक और स्लोवाक में बाद में बटा। यहां से एक नुमाइंदा अगर ताइवान गया तो उसको कतई नागवार गुजरा। और इस बात को लेकर जब उसने एतराज जताया तो इस बार उसको जवाब उसी की शैली में दिया गया है। वहां के जनता के एक नुमाइंदे ने करारा थप्पड़ पत्र के तौर पर मारा है और आप भाषा देखिए, इस भाषा को अब चीन को तैयार रहना चाहिए इस भाषा के लिए। क्यों तैयार रहना चाहिए? क्योंकि खुद उसने यह इज्जत कमाई है। मैं आपको दिखाता हूं उसमें जो बातें कही हुई हैं, उसमें शुरुआत तो की गई है कि आप एस्टीम्ड, डियर एस्टीम्ड कहकर शुरुआत की गई, लेकिन उसमें लिखा गया यू विल हैव टू पे हैवी प्राइस, यू आर रूड क्लाउन्स, आप लोग ढीठ जोकर हैं, बी अशेम्ड, शर्म कीजिए जरा इस पर, शर्मिंदा होइए इस पर। और निराशाजनक कूटनीतिक तरीके से यह निहायत निराशाजनक है, पैथेटिक डिप्लोमेटिक रिएक्शंस। और यहां पर लिखा हुआ है यू विल हैव टू पे अ हैवी प्राइस फॉर दिस, आपको इसके लिए खासी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आप सोचें अगर चीन को लेकर, और ये रक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए यह पत्र लिखा गया है, डियर एस्टीम्ड के साथ शुरू किया गया है और उसके बाद कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो इस्तेमाल ना किया गया हो। शान में गुस्ताखी अगर कही जाती है तो शान को जूतों के नीचे मसल दिया गया है। और इस बात को किसने इनवाइट किया है, इस तरीके के रवैये को? खुद चीन ने।